नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक जलिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसे ही इस वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि विजिटिंग कार्ड किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान है विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियोस देखे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो देते लाता हूँ। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि विजिटिंग कार्ड किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले आप कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे और कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद एक पेज लेंगे उसमें। उसके बाद पेज लेने के बाद दोस्तों, आप उसमें जाएंगे कि आपको इंचेस में लेना है या एमएम में लेना है। तो मेरे हिसाब से मैं एमएम में ही लेता हूँ। एक एमएम में एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स को बनाने के बाद दोस्तों उसकी साइज़ रखेंगे 85 और 55। और विजिटिंग कार्ड का जो मैक्सिमम साइज़ होता है, एक्चुअल साइज़ जो होता है, वो साइज़ हम लेंगे। और उस साइज़ को लेने के बाद दोस्तों, जैसा कि ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर देखिए आप, चार इमेज मैंने पहले से लाकर रखी हुई हैं। दो बैकग्राउंड की पिक्चर्स हैं और दो फ़ोटोएँ जो उसमें मुझे लगानी है, वो मैंने फ़ोटोशॉप से एडिट कर लिया पहले ही। तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट ऑप्शन में आप जाने के बाद वहाँ से आप उस बैकग्राउंड को लेकर आएंगे। पहले ये इस तरह से बैकग्राउंड को ले आए। अब ये बैकग्राउंड लाने के बाद फिर से हम जाएंगे इंपोर्ट में, और इंपोर्ट में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जो हमारा बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, उस बैकग्राउंड को हम लेकर आएंगे। उस बैकग्राउंड को यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। ये उसके बाद दोस्तों, हम लोग इफ़ेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में पावर क्लिप में जाएंगे। पावर क्लिप से ऑप्शन से हम इस बॉक्स के अंदर इस बैकग्राउंड को इंसर्ट कर देंगे। अब ये बॉक्स के अंदर ये हमारा बैकग्राउंड चला गया। उसके बाद यहाँ एडिट में जाकर हम इसके बॉक्स के अंदर जाएंगे और अपना जो बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, उस बैकग्राउंड को लेफ्ट अलाइनमेंट दे देंगे, जहाँ से हमें लगाना है। ये हमने बॉक्स के अंदर इसको लगा लिया। फिर यहाँ से बाहर आकर फिर ये वाला फ़ोटो जो है, इसको भी उसी तरह से पावर क्लिप वाले ऑप्शन से इस बॉक्स के अंदर ले जाएंगे। ये उसके बाद दोस्तों, उसी ऑप्शन पे एडिट में जाकर उस बॉक्स के अंदर जाकर इस फ़ोटो को भी राइट अलाइनमेंट दे देंगे इस तरह से दोस्तों। उसके बाद यहाँ से एंडिंग से यहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर दोस्तों, हम टेक्स्ट बार में जाएंगे। टेक्स्ट बार में हम लोग टाइप करेंगे जो भी हमें हेडिंग देनी है, जो भी विजिटिंग कार्ड, जिस भी फर्म का नाम है, जो भी है। जैसे कि ये मैं कार्ड जो बना रहा हूँ, ये ज्वेलरी के ऊपर बना रहा हूँ, तो ये मैं कोई भी फॉन्ट एक सिलेक्ट कर लूँगा। उस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको टाइप कर लूँगा जो मुझे टाइप करना है। जैसे जो भी मुझे जो भी दुकान का नाम है या जो भी है फर्म का नाम है, उस फर्म का नाम मैं टाइप कर लूँगा। तो दोस्तों, विजिटिंग कार्ड बनाना बहुत ही ईजी है। मेरी वीडियो देखते रहिए आखिर तक और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है दोस्तों। और सबसे पहले मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर ही ओके कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे विजिटिंग कार्ड के अलावा भी और भी आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं कि मैं और भी डिज़ाइन बनाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं आगे कोरल ड्रा में आपके लिए और भी डिज़ाइनें बनाना आपको बताऊं किस तरह से बनाई जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे डिज़ाइन बनाने का वीडियो बनाकर लाऊं। तो दोस्तों, देखिए इस तरह से मैंने टाइप किया, मधुर ज्वेलर्स हमने जैसे बनाया है। यहाँ से पेन में जाकर, पेन टूल्स में जाकर हमने इस अलाइनमेंट में 2 पॉइंट दे दिए हैं और इसको यहाँ से क्लिक कर लिया, ये इसकी आउटलाइन को वाइट करने के लिए। फिर ये पेन टूल्स में जाएंगे और यहाँ से इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से इसको वाइट कलर लेकर इसको ओके कर लेंगे यहाँ से। अब ये हमारा मधु ज्वेलर्स की आउटलाइन वाइट हो गई है और ये रेड हो गया। इससे ये लेटर्स जो होते हैं वो बैकग्राउंड के ऊपर निकल के आते हैं। तो दोस्तों, इसको कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ।
कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसकी इसमें नीचे इसका एड्रेस लगाने के लिए फॉन्ट लगाऊंगा, वो थोड़ा इससे नॉर्मल फॉन्ट रहेगा, ये तो थोड़ा बोल्ड फॉन्ट है। और नॉर्मल फॉन्ट लगाने के बाद दोस्तों उसमें मैं एड्रेस टाइप कर दूंगा। तो एड्रेस आप कोई भी जो भी एड्रेस हो उसको टाइप कर सकते हैं, 2-3 लाइन में आ सकता है। उसके नीचे अगर आप मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर या जो भी देना चाहें, जो कुछ भी देना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन लगाई हुई है, मैं सिर्फ आपको ये एक डेमो बता रहा हूँ कि किस तरह से विजिटिंग कार्ड बनते हैं। बाकी आपको जो भी जितना भी बड़ा एड्रेस हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर कॉपी पेस्ट करूँगा मैं इसको। उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसको ऊपर ले जाऊँगा और ऊपर जो भी फर्म का जो भी प्रोपराइटर जो भी नाम है, जो ऑनर है, उसका नाम देना चाहेंगे तो उसका नाम दोस्तों दे देंगे। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, ये यहाँ से इसको ले आए। और लाने के बाद दोस्तों ये देखिए इसमें फॉन्ट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है प्रोपराइटर का। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट टूल्स में जाकर उसको मैं टाइप कर लेता हूँ जो भी नाम है। तो नाम लगाने के बाद मैं प्रोपराइटर में इस नाम को दे दिया मैंने। नीचे आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, जिसका भी जो नंबर हो, जो प्रोपराइटर का नंबर हो, आगे दे सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों विजिटिंग कार्ड तैयार होता है। विजिटिंग कार्ड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, बहुत ईजी है, आप उसको बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, आगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और इसी तरह से दोस्तों मैं दूसरा विजिटिंग कार्ड भी अभी इसी में बनाऊंगा, जो कि उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको दोस्तों। और बहुत से लोग कोरल ड्रा जो भी है, कोरल 16 है यूज़ करते हैं, 14 यूज़ करते हैं, 15 यूज़ करते हैं, तो ये मैंने कोरल 12 पे मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोरल 12 ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने 12 पे ही यूज़ किया है। तो दोस्तों ये आउटलाइन वाला ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया था पेन टूल्स में जाकर किस तरह से करते हैं, ये आउटलाइन देने पर ये लेटर्स आपके निकल गए रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, अब इस विजिटिंग कार्ड को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, एक विजिटिंग कार्ड को इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा एक और बनाऊंगा इसी पैटर्न पे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही कि नहीं आ रही। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब इसी तरह से मैं इस विजिटिंग कार्ड को मैंने कॉपी किया है, अब इसके मैं एडिट में जाकर इसके जो अंडर बैकग्राउंड में मैंने ये पिक्चर लगाई थी इसको मैंने डिलीट कर दिया है। और उसके बाद मैं फाइल में जाकर इंपोर्ट में जाकर वहाँ मैंने दो इमेजेस और लगाई हुई थी, एक ये वाली और एक बैकग्राउंड में जो लगाना है मुझे वो इमेज मैंने लगाई हुई है। तो ये मैंने इमेज ले ली है यहाँ पर इस तरह से, ये बैकग्राउंड में इसको लगाया यहाँ पर सेम उसी पैटर्न पर दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद ये वाली इमेज मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आया, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद आने के बाद ये नाम इधर इस तरह से आ गया। अब इसी हेडिंग को मैं चेंज कर दूँगा, इसको मैं जैसे टेलर्स का विजिटिंग कार्ड बनते हैं, रेडीमेड लेडीज टेलर्स के जो विजिटिंग कार्ड बनते हैं उनके लिए मैं मधुर लेडीज टेलर्स के नाम से इसको टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों पैटर्न अलग हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, बाकी वर्क जो होता है वो सेम ही रहता है, सेम ही वैसे करना रहता है, बस खाली आपको डिज़ाइन चेंज करना रहता है। तो बैकग्राउंड आप चाहें तो आप इसमें कोरल में ही बना सकते हैं अच्छे अच्छे बैकग्राउंड, चाहें आप तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड्स, इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको फोटोशॉप में एडिट करके इमेजेस को काट के, और उसके बाद उसको आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने के बाद ये आपकी डिज़ाइन विजिटिंग कार्ड ये रेडी हो गए। तो दोस्तों विजिटिंग कार्ड बनाना बहुत ही आसान है, और मैं आप लोग अगर मुझे आप बताएंगे, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आप लोग और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने राय मुझे बताएं और बताएं कि किस टाइप की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सबसे पहले मेरी वीडियो आप देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलता हूँ, आगे आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें मेरे लिए, और
ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके बाय।